एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षवादी व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स मैं आज बनाने वाली हूँ। तो कुछ ब्रेड्स जो थे वो बचे हुए रखे थे, जो मैंने उस दिन रोल्स, ब्रेड रोल्स बनाए थे, तो उसके जो मैंने किनारे कट किए थे, बस वही किनारे मैंने फ्रिज में उठाकर रख दिए थे और उन्हीं से आज मैं ये स्नैक्स बनाने वाली हूँ। क्योंकि उनको फेंकना तो था ही नहीं, क्योंकि वह भी ज़रूरी होता ही है। ऐसी चीज़ों को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों को। तो ये कुछ ना अभी 2-3 दिन से फ्रिज में रखे हुए थे, तो बिल्कुल ही ज़्यादा सूख चुके हैं। तो मैं इनको ना मिक्सर में अच्छे से पीस लेती हूँ। पर हाँ, इतना ध्यान रखना कि आपको बारीक ज़्यादा नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, आपको मीडियम इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ना इस ब्रेड को अच्छे से मिक्सर में चला लिया, कुछ इस तरीके का रखा है मैंने इसको। और अब हमें इसको ना आलू के अंदर मिला लेना है और बाकी के ये जो बचे हुए ब्रेड हैं इनको भी मैं फटाफट से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रेड को पीसा था उसको मैंने अपने आलू के अंदर डाल लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एकदम अच्छे से मिक्स करना है, आटे जैसा डो लग जाना चाहिए कि हम हाथ से जब इसको बनाएं तो आटे जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उस तरीके से लोई बनती है, उस तरीके से ये बन जाना चाहिए। बिखरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर और मेरा बहुत ही अच्छा डो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से अब अपना जो है स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से जैसे हम रोटियां बनाते हैं तब आटे को तोड़कर हम उसकी लोई बनाते हैं, उसी तरीके से हमको इस डो की भी ऐसी ही लोई बनानी है अपने हाथों से। तो बड़े आराम से बहुत ही इजीली बन जाती है, ये टूटकर नहीं बिखरता है क्योंकि इसमें ब्रेड मिली होती है, आलू मिले होते हैं, तो वह आपस में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने अपनी जो है वो लोई बनाकर तैयार कर ली है। आप अपने हिसाब से मोटा या पतला रख सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको जैसा खाना हो उसी हिसाब से आप इसको बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको मोटा ही रखा है क्योंकि ये जो है वो तवे से चिपकेगा नहीं। नॉन स्टिक तवे पर अगर आप बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन नॉन स्टिक तवा मैं अभी अपना यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास 2 सेट हैं जिसमें नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई और एक और शायद आइटम है, वो 3 पीस का है। 2 ऐसे बॉक्सेस हैं मेरे पास, मतलब 2-6 बोल सकते हैं आप, 6 हैं, लेकिन मैंने अभी उनको यूज़ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं निकाला है उसके अंदर से। तो यहाँ पर मेरी जो है ये कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। सारी टिक्कियाँ मैंने कुछ इस तरह से बना ली हैं और इनको मैं अब करूँगी शैलो फ्राई। जी हाँ, अगर आपको डीप फ्राई करके अच्छी लगती हैं तो आप डीप फ्राई करिए, लेकिन मुझे करनी है ये शैलो फ्राई। मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली हूँ, वैसे भी ऑयल ज़्यादा यूज़ करूँ या कम यूज़ करूँ मुझे तो ये खानी ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी अपने परहेज़ पर चल रही हूँ। मुझे 1 वीक से ऊपर हो चुका है, करीबन 1.5 वीक तक मुझे हो चुका है और मैं जब से ऑयल वगैरह इग्नोर ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर वैसे भी मैं थोड़ा सा ऑयल, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा ही ऑयल लूँगी, उसमें हम इनको करेंगे शैलो फ्राई क्योंकि बनाने हैं बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हो 1 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पर ऑयल जो है वो तवे पर डाल दिया है और उसके अंदर मैंने इस टिक्की को जो मैंने बनाई थी वो मैंने इसके अंदर रख दी है। तेल को गर्म हो जाना है और गैस को आपको हाई फ्लेम पर या बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पर नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही आप गैस को जो है वो रखें, जिससे कि आपकी जो ये स्नैक्स है वो ना ही जलेगी और ना ही लो फ्लेम होने की वजह से कच्ची रहेगी। तो आपको मीडियम फ्लेम पर रखना है और अच्छे से इसको सिकने देना है ताकि ये अंदर बाहर दोनों साइड से थोड़ा सा इसमें कुरकुरापन आ जाए, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होने वाली है। आप इसको चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर सॉस के साथ सर्व कीजिए या फिर आप
शहनवाज चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर और मैं सेक लूँगी इसी तरह से अपनी सारी टिक्कियाँ जो मैंने बनाकर रखी हुई है उनको मैं इस तरीके से, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है इस पर। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं, लेकिन मैंने गोल्डन कलर आने तक ही बस इसको रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी कुछ इस तरीके से टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शाम का अमेजिंग स्नैक होने वाला है बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। स्नैक्स मेरा बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपने लिए कॉफ़ी बनाने वाली हूँ। तो कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ, चाय मैंने इग्नोर की हुई है इस टाइम पे, चाय मैं नहीं पी रही हूँ क्योंकि चाय रियल में बताऊँ तो मुझे अभी फ़िलहाल में मना की हुई है। इस वजह से कॉफ़ी के लिए मुझे बोला है कि मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, लेकिन दूध को मैं छान कर कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे ना मलाई वाला दूध नहीं चाहिए। फैटी चीज़ें जो हैं जिनसे फैट की प्रॉब्लम होती है वो सभी फ़िलहाल मैं इग्नोर कर रही हूँ, और मलाई में आप जानते ही हो कि कितना ज़्यादा फैट होता है। तो मैं बिना मलाई वाले दूध की कॉफ़ी बना रही हूँ। छान कर मैंने मलाई को अलग कर लिया था दूध से, और चीनी भी मैं बहुत ही ज़्यादा कम डालूँगी, मतलब इतने दूध में, और थोड़ी सी ही चीनी मैंने डाली है, आपने देखा ही कि उसमें से भी देखो मैंने इतनी चीनी बचा ली है, क्योंकि मुझे ना डाउट हो रहा था कि मीठा ज़्यादा ना हो जाए, और मुझे मीठा नहीं चाहिए, बिल्कुल मामूली हल्का सा मीठा मुझे चाहिए, बस टेस्ट आना चाहिए हल्के मीठे का। तो इस वजह से अब मैं यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर जो है वो अपने कप के अंदर डाल लूँगी। मैं कॉफ़ी पाउडर को ना डायरेक्ट दूध में डालकर नहीं बनाती हूँ कभी भी, क्योंकि मैंने बनाकर देखा है कई बार ऐसे, तो कॉफ़ी कुछ मतलब ख़ास मुझे नहीं लगती है। तो और इस तरीके से भी मैंने बनाकर देखा है कप के अंदर डालकर। तो यहाँ पर मैंने नेस्ले का पाउच मंगा कर रखा हुआ है कॉफ़ी का, और मैं जब मेरा मन करता है तो इसी पाउच में से थोड़ा सा निकाला कप में डाला और बनाकर कॉफ़ी पी लेती हूँ। वैसे कॉफ़ी मैं ज़्यादा भी नहीं ले रही हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा इग्नोर ही कर रही हूँ। तो सुबह आधा कप लेती हूँ और शाम के टाइम में आधा कप। शाम को बहुत ही कम ऐसा होता है जब मैं बनाती हूँ, वरना कभी कभार ही बनाती हूँ, सुबह में तो ज़रूर लेती हूँ आधा कप। तो यहाँ पर मेरा जो दूध है वो भी बॉयल हो चुका है, कॉफ़ी हमारी जो है वो मैंने कप में डाल ली है, दूध में चीनी मैंने पहले से मिला ली है, क्योंकि अगर कप में डालकर मिलाऊंगी तो वो ठीक से फिर ना मिक्स नहीं हो पाती दूध के अंदर, इस वजह से मैंने दूध में ही डाल ली है। और अच्छे से मेरा दूध बॉयल हो रहा है, आप देख रही हो कितने अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से दूध जो है वो मेरा बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है, और अब हम डालेंगे कप के अंदर मिल्क, और मिल्क डालने के बाद हमारी गर्मा गर्म हॉट हॉट कॉफ़ी रेडी हो जाएगी, है ना, पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा। और इससे हम पीने के बाद हो जाएंगे रिफ़्रेश एक बार फिर से, क्योंकि दिन भर के काम के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है शाम को, तो कुछ चाय वगैरह हल्की बहुत मिल जाए ना तो माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर चाय मेरी, वैसे बताऊँ ना चाय मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन क्या करूँ अभी, बस क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, चाय ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो चलिए कोई बात नहीं है, हेल्थ के लिए इतना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉफ़ी के ऊपर मैं हल्का सा थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर वो ऊपर से इसके ऊपर डाल दूँगी, इसकी बोलूँ तो गार्निशिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो कॉफ़ी है वो रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही है देखने में, और इसको देखने के बाद दोबारा से मेरा मन कर आया है कॉफ़ी पीने का, गर्म गर्म कॉफ़ी। तो देखती हूँ इस वीडियो को पहले ही अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं दोबारा से अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ गर्मा गर्म, और मज़े लूँगी कॉफ़ी के। गाइस आप क्या चाहिए कॉफ़ी के मज़े लेने के लिए, गर्मा गर्म हॉट हॉट कॉफ़ी पी लीजिए। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।